अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी, अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अब क्या हम तुमसे पूछकर पहने क्या पहना, इनको वोट भी डालना डर कर। आप कह रहे कि नहीं, ये पहनने से मुसलमान जो है दब जाता है। तुझे कैसे मालूम, जो हमारा हाल है, हमारे घर में भी बुर्का होता, मगर जब हम घर में जाते भड़का भाषण नहीं दे सकते, हम डर के बैठना पड़ता हमको, हमारे समझे ना। आपका भी हाल होगा, है ना, मुस्कुराओ जरा ताकि तस्दीक हो जाए। हाँ, ये लोग बोलते दबाते, अरे हमको उल्टा दबाते हैं भाई, मगर ये लोग बोलेंगे वो क्या तुम हिजाब। अब हम कल बोले एक भाषण में, हम एक भाषण में बोले, उस बच्ची का जिक्र किए, आप बताओ उस बच्ची ने जुर्रत का मजाहरा किया नहीं किया। क्या अगर यहां पर कोई बाप है और कोई माँ है तो क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ कि उसने हिम्मत से काम किया, हुआ नहीं हुआ, आपको खुशी हुई नहीं हुई, अगर हुई तो हाथ उठाओ, उठाओ छत पे भी खड़े हाथ उठाओ, डर रहे क्यों, समाजवादी के तो नहीं हो ना, उठाओ हाथ। हाँ, अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्का मेरा, तुझे क्या करना है उसे। हिम्मत और हौसले से काम करिए। और मीडिया के लिए कह रहा हूं, हम उस बच्ची से वीडियो कॉल भी करके आए हैं। मैं मुस्कान से उनके वालिद से बात किया, उनके वालिद को कहा कि आपने अच्छी तरबियत दी अपनी बेटी की, उसको उसके हिम्मत और हौसले को अल्लाह और बुलंद करे। तो उस बच्ची ने हमसे भी बात की और उसने कहा कि ओसी साहब, हम आपके भाषण को सुनते हैं। मैंने कहा अरे यहां भी सुन रहे हैं, मगर खैर, हम मुबारकबाद देते हैं। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बुर्का, हिजाब और चादर, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल चीज है, ये कोई नहीं करता, कोई बात नहीं है। और हमारा मानना यह है कि जब भारत के पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद कर सकते हैं, तो ये बच्ची हिजाब पहनकर जा रही है तो क्यों रोक रहे हैं आप। पढ़ने दीजिए, काबिल बनने दीजिए, बल्कि अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ आप, उनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, एसडीएम बनाइए। हमारा मकसद तो यही है कि भारत में जब तक भारत की महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, जब तक भारत के महिलाओं को तरक्की के मौके नहीं मिलेंगे, भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनना है तो महिलाओं को उनका जायज मुकाम मिलना जरूरी है।